नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पकौड़े वाले कढ़ी कैसे बनाएं। इसे मैं आज अपने तरीके से बताने वाली हूँ और इसमें मैं आपको बहुत सी टिप भी बताऊँगी जिससे पकौड़ा सॉफ्ट बने और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाने के लिए सारे सामग्री को रख लिया है और यहाँ पर मैंने एक बाउल दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश है, घर के दही हैं। और बेसन को लिया है मैंने। बेसन को लेने के बाद अजवाइन, धनिया पाउडर, लहसुन, खड़ा लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च, काली मिर्च, जीरा, राई और हल्दी। अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 3 बड़े चम्मच, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है अजवाइन बिल्कुल थोड़ा सा, हल्दी पाउडर, उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च को ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने नमक को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने वाले सोडे को ऐड किया है जिससे पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो। आपने देखा होगा पकौड़ी का अगर बनाओ तो बिल्कुल टाइट टाइट बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सोडा डालने से पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अधिक गीला नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे बस इतना ही गाढ़ा रहने देना है जिससे पकौड़ी बहुत अच्छे से फूले। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इस तरीके से छोटा छोटा पकौड़ी छानेंगे कढ़ी के लिए। ये देखिए इस तरीके से डालना है। यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ी को ऐड कर लिया है और इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे। पकौड़ी कितने अच्छे से फूल गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेंगे। इसे ब्राउन होने तक पकने देंगे। पकौड़ी अब बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरे पकौड़ी निकाल लिए। अब हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें दही को ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच बेसन को ऐड करेंगे। बेसन को ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे, उसके बाद नमक, इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे सबसे पहले ही इसका घोल बना करके रख लिया है और इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे जिसे कढ़ी में बिल्कुल अच्छा कलर आए और कढ़ी भी देखने में अच्छे लगे और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। यहाँ पे आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना आप घोल बनाकर इसे रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने घोल बना लिया है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल डाल के, और ऑयल गरम हो चुके इसमें मैंने राई को ऐड किया है। इसे अच्छे से जलने देंगे। जब राई बिल्कुल जल जाएगा उसके बाद हम और बाकी चीज़ का तड़का देंगे। यहाँ मैंने डाला है लाल मिर्च, खड़े, इसको डालने के बाद हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना लिया था, उसे ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने देखिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें और बाकी मसाले को ऐड करेंगे।
यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ मैंने लिया कड़ी पत्ता। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने जो घोल बनाया था उसमें मैंने हल्दी डाल दिया था। अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो घोल बनाया था अब इसे ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और इसमें एक टिप है, आप कढ़ी को जितने देर तक पकाएंगे कढ़ी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देंगे जिससे कढ़ी बिल्कुल अच्छा बने और स्वादिष्ट लगे। कढ़ी में अभी बिल्कुल उबाल आ चुका है, अब इसे पकने देंगे। और मैंने यहाँ पे नमक को ऐड किया है स्वाद अनुसार। नमक को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अभी हम इसे और पकने देंगे। जब कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो समझिए कढ़ी बिल्कुल पक चुकी है। कढ़ी अभी गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से पक भी चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने पकौड़ा बनाया था उसे। ये देखिए मैंने पकौड़े को भी ऐड कर लिया है। पकौड़े को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा चलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे जिससे पकौड़ी अच्छे से अंदर से पक जाए। ये देखिए कढ़ी अब बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से पक भी चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म पकौड़ी कढ़ी अब बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा बना है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबाना मत भूलिएगा, उसे जरूर दबाइएगा जिससे मेरी अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।